दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा फ्लिपकार्ट पर कैसे आप गोल्ड सेलर बनेंगे। जब आप एज ए सेलर फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर करेंगे तो आपको ब्रॉन्ज सेलर की कैटेगरी पे रखा जाता है, फिर सिल्वर या डायरेक्टली गोल्ड पे आप जा सकते हो। तो जब आप सिल्वर से गोल्ड या सिल्वर में जाएंगे ब्रॉन्ज से, तो इसमें आपको सबसे पहला बेनिफिट मिलेगा जो शिपिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगा और जो पेमेंट साइकिल है वो भी 7 से 10 दिन के अंदर हो जाता है। लेकिन एज ए सेलर जब आप न्यू रजिस्टर करेंगे फ्लिपकार्ट में तो आपको ब्रॉन्ज सेलर की कैटेगरी मिलता है, उसमें आपको जो पेमेंट साइकिल है वो भी बहुत लंबा 15 डेज का होता है। फिर इसके बाद जो आपका शिपिंग रेट है वो सबसे हाई रहता है। तो इस सब की चक्कर में आप कभी प्रोडक्ट को लो वैल्यू में सेल नहीं कर पाते और जो आपके सिमिलर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो आगे ही रहता है। तो इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, इस चीज़ के साथ कंप्लाई करने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। और इसमें से मेन पॉइंट जो रहेगा दोस्तों वो ग्रोथ इंडेक्स। ग्रोथ इंडेक्स तो जब आप मेंटेन करना सीख जाएंगे तो गोल्ड सेलर आप 90 डेज के अंदर बन पाएंगे। जो फ्लिपकार्ट का साइकिल चलता है वो 90 डेज का होता है, 3 मंथ। तो 3 मंथ के अंदर कैसे आप गोल्ड सेलर की जो कैटेगरी है उसको अचीव करेंगे इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। और स्पेशली मैं आपको बताऊंगा ग्रोथ इंडेक्स को कैसे आप फुलफिल करेंगे, क्योंकि आप किसी तरीके से जो फ्लिपकार्ट का परफॉर्मेंस है और जो सेल्स है ये तो कंप्लीट आप कर लेंगे, लेकिन ग्रोथ इंडेक्स को जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे जो उनका रिक्वायरमेंट है तो आप गोल्डन सेलर नहीं बन पाएंगे और आपको जो प्रॉफिट होना था वो प्रॉफिट भी नहीं कमा पाएंगे और आपको फ्लिपकार्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सेल करने के लिए, बिकॉज जो पेमेंट साइकिल है वो भी लंबा चलेगा। तो आपको हाथ में ऑल्टरनेट पैसा नहीं आ रहा है तो आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिजनेस में, फिर आपका जो शिपिंग कॉस्ट है उसमें भी ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम आपको फेस करना होता है। सो वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। गोल्ड सेलर बनने के लिए परफॉर्मेंस और जो सेल्स है ये दोनों आपको मेंटेन करना होता है। परफॉर्मेंस जो है वो पूरा का पूरा आप ही के हाथ पे मेंटेन होता है, बट जो सेल्स है वो कुछ आपके हाथ पे होता है और कुछ आपकी जो सर्च विजिबिलिटी है, जो फ्लिपकार्ट अगर चाहता है किस कैटेगरी में आप लिस्ट करते हैं वो इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस पे आपको कभी भी जब आपको ऑर्डर आता है तो आपको ऑर्डर कैंसिल नहीं करना है, तो सेलर कैंसिलेशन आपको मेंटेन करके रखना है। अगर बाय चांस आपको कैंसिल करना पड़ रहा है तो वो 0.15% के अंदर होना चाहिए। इसके बाद जो सेकेंड परफॉर्मेंस आता है वो है आपका डिस्पैच ब्लिच नहीं होना चाहिए। डिस्पैच ब्लिच मीन्स जब कोरियर पर्सन आपके पास आता है और आप उनको पैकेट नहीं दे पाते या आपको याद ही नहीं रहता कि आपको ऑर्डर आया या आप प्रोसेस नहीं करते ऑन टाइम, तो वो डिस्पैच ब्लिच। तो आपको हमेशा ऑर्डर ऑन टाइम प्रोसेस करके आपको हैंड ओवर करना होता है। एंड थर्ड जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो है प्रोडक्ट की फीडबैक। कस्टमर क्या फीडबैक आपको दे रहा है, अगर आप बहुत पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट सेल करते हैं, क्वालिटी आप चेक नहीं करते, तो आपको जो फीडबैक है बहुत नेगेटिव में आएगा। क्या होता है आउट ऑफ 5 4.2 3.2 तो ऐसा आपको आना चाहिए। और जो फ्लिपकार्ट का रिकमेंड है वो है गोल्ड सेलर के लिए 3.78% आउट ऑफ 5 आपको होना चाहिए। अगर इसके नीचे आपका फीडबैक आ रहा है तो आप एक गोल्ड सेलर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। इस चीज़ को आपको मेंटेन करके रखना होता है और इसके ऊपर आपको होना चाहिए फीडबैक की जो आता है वो 3.78% या इससे ऊपर आपको रहना चाहिए आउट ऑफ 5, और ये 90 डेज तक आपको मेंटेन करके रखना होता है। इसके बाद दोस्तों जो सेल्स की वॉल्यूम आता है वो 90 डेज के अंदर आपको 25 लैक्स का सेल करना होता है, नहीं तो 3000 प्रोडक्ट। तो एक न्यू सेलर के लिए ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब तक आप फ्लिपकार्ट में बहुत ज़्यादा लिस्टिंग नहीं करेंगे और कौन सी कैटेगरी में आप लिस्ट कर रहे हैं ये सब मैटर करता है। तो 25 लैक्स की आप सेल कर लो, नहीं तो आप 3000 प्रोडक्ट सोल्ड कर लो। मतलब अगर आप 25 लैक्स की सेल नहीं कर पा रहे तो 3000 प्रोडक्ट आप सोल्ड कर लो। 3000 प्रोडक्ट्स की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो 3000 आप प्रोडक्ट सोल्ड कर लो या आप 1500 प्रोडक्ट सोल्ड करो और इसके साथ जो आपका ग्रोथ इंडेक्स है वो 2% आप मेंटेन करो। तो ग्रोथ इंडेक्स को मेंटेन करने से और 1500 प्रोडक्ट सोल्ड करने से 90 डेज के अंदर आपका जो सेलर परफॉर्मेंस है वो गोल्ड कर दिया जाता है। और आपको गोल्ड सेलर मिल जाने के बाद आप बहुत ही कम रेट में प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे और आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना होगा। मतलब एक्स्ट्रा कैश ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको तभी करना है जब आप न्यू प्रोडक्ट कुछ लॉन्च कर रहे हैं, नहीं तो आपको पैसे का जो रोलिंग है वो होता रहेगा, उसी पैसा आता रहेगा, फिर आप दोबारा उस पैसे को इन्वेस्ट कर पाएंगे बिजनेस से कमा के बिजनेस में इन्वेस्ट।
तो इसके लिए दोस्तों जो ग्रोथ इंडेक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि देखिए एक न्यू सेलर 90 डेज में 3000 प्रोडक्ट्स होल्ड नहीं कर पाएगा जब तक उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, लेकिन 3 मंथ में वो 1500 प्रोडक्ट्स होल्ड कर सकता है और जो ग्रोथ इंडेक्स है वो भी मेंटेन। अब ग्रोथ इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा आपका ग्रोथ इंडेक्स क्या है, और इसको चेक करने के लिए आप चले जाइए आपका जो फ्लिपकार्ट का जो डैशबोर्ड है इसमें आप योर स्टेटस में क्लिक करिए, इसके बाद जो आपको परफॉर्मेंस दिखेगा उसमें क्लिक करें, उसमें जो ग्रोथ इंडेक्स है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, और ग्रोथ इंडेक्स में आप देखिए वहाँ पे लिखा रहेगा कि आपका करेंटली ग्रोथ इंडेक्स क्या है, 1.78% और 2% 3% मतलब कितना दिखा रहा है वहाँ पे। तो ग्रोथ इंडेक्स कैलकुलेट होता है जिस भी कैटेगरी में आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, जिस भी फ्लिपकार्ट में वर्टिकल बोलते हैं, जिस भी वर्टिकल में आप प्रोडक्ट सेल करें उस हिसाब से आपका ग्रोथ इंडेक्स कैलकुलेट होता है। तो इसके लिए आप देखिए ग्रोथ इंडेक्स के ऊपर क्लिक करिए और उसमें योर ग्रोथ इंडेक्स फॉर वर्टिकल ऐसा आपको चार्ट मिल जाएगा, जैसे एक्सेल में रहता है ना रो, ऐसे रो बना हुआ रहेगा, और उस रो में जिस भी वर्टिकल में आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया उसका नाम लिखा रहेगा, होम एंड किचन, हार्डवेयर, टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिस भी वर्टिकल में आप सेल कर रहे हैं वो लिखा रहेगा, उसके बाद आपका उसका सब कैटेगरी लिखा रहेगा जिसके अंदर सेल कर रहे, फिर आपका प्रोडक्ट का नेट सेल वॉल्यूम, और लास्ट में लिखा रहेगा जो आप वर्टिकल में प्रोडक्ट सेल करें वो कितना परसेंटेज ग्रोथ इंडेक्स के साथ आप सेल करते हैं, मतलब सेम कैटेगरी। मान लो कि आप होम एंड किचन में सेल कर रहे हो और होम एंड किचन में बहुत सारा सेलर है, तो सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं बहुत सारे सेलर, तो सेम प्रोडक्ट सेम सब कैटेगरी में आप कहाँ पे आ रहे हो, और आपसे जो पुराना सेलर है या जो न्यू सेलर आ रहे हैं वो क्या आगे आपसे जा रहे हैं। अगर दूसरा सेलर आपसे आगे जा रहा है तो आपका जो ग्रोथ इंडेक्स है वो नीचे रहेगा, कम रहेगा, 2% से भी कम रहेगा, और अगर आप अच्छा काम करो एज कम्पेयर टू अदर सेलर तो आपका जो ग्रोथ इंडेक्स है वो 2% मेंटेन हुआ रहेगा या 2% से ऊपर भी जाएगा, वहाँ पे दिखाएगा। तो इसके लिए आप चेक करो कि कौन सी कैटेगरी में, कौन सी वर्टिकल में आपका जो ग्रोथ इंडेक्स है वो 2% से ऊपर जा रहा है, और वहाँ पे बकायदा सिंबल भी आ जाएगा गोल्ड सेलर, सिल्वर सेलर, मतलब किस कैटेगरी में आप जा सकते हो 90 डेज में, तो वो देखिए। जिसमें भी आप देखेंगे, मान लो कि आप चार पांच वर्टिकल में आप सेल कर रहे हो, तो उसमें से हो सकता है 2-3 अच्छा वर्टिकल में जिसमें आप परफॉर्मेंस अच्छा है आपका और आपका जो ग्रोथ इंडेक्स है वो भी 2% के ऊपर जा रहा है, तो उसको रख के बाकी का जो भी आपका वर्टिकल है जो सिल्वर या ब्रोंज में आ रहा है उसको आप बंद कर लो, उस वाले प्रोडक्ट को डीएक्टिवेट कर दो। इससे आपका जो ग्रोथ इंडेक्स है वो बस इन्हीं वर्टिकल इन्हीं प्रोडक्ट में से कैलकुलेट होगा, और आपका जो वर्टिकल है वो आपका जो ग्रोथ इंडेक्स है वो 2% के ऊपर चला जाएगा। और आप कोशिश करिए 3 मंथ के अंदर 1500 प्रोडक्ट सोल्ड करने के लिए, जो भी प्रोडक्ट आपका सेल हो रहा है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट आप और भी लॉन्च करो, कम्बो बना दो, नहीं तो उसी कैटेगरी में अदर्स प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करो, तो आपका जो सेल है वो अच्छा आएगा और आप बहुत ही जल्दी 3 मंथ के अंदर ग्रोथ इंडेक्स 2% के साथ एक गोल्डन सेलर आप बन जाएंगे। इसको लेके कोई भी आपको अगर क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आई होप गाइज आपको पसंद आया। तो ग्रोथ इंडेक्स क्या था, कैसे गोल्ड सेलर बनेंगे इस वीडियो में मैं आपको बता दिया। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे अगर आपने पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।